नमस्कार आदाब सस्काल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्ट रिसोर्सिस फर्स्ट तो ऑफ जुलाई 2020 सो so, इस महीने का आखिरी दिन बट आपकी तैयारी का आखिरी दिन नहीं है आपकी तैयारी जब जागो तभी सवेरा सो so, डेली बेसिस पर रोज सुबह साढ़े सात बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मैं मुलाकात करता हूं आपके लिए लेकर आता हूं डेली करंट अफेयर्स की क्लास और सवा आठ बजे रहती है आपकी एमसी क्लास जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर लिंक वर्क नहीं करता जो जस्टन अकेडमी प्रोफाइल पर जाइए मेरी वहां पर आपको मेरी स्पेशल क्लास सवा आठ बजे लाइव मिल जाएगी जिसमें हम करते हैं एमसीक्यूज लास्ट डेज के ओके लास्ट डे के ओके okay, सो so यहां पर आज के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज और मैं सही तरीके से दिखाई दे रहा हूंगा राइट ओके सो गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोनजूर ओके गुड मॉर्निंग चलिए ये मेरा प्लस पे नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है चार अगस्त से ओके फोर्थ ऑफ अगस्त से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ये आपको कंप्लीट बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक कराऊंगा जो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करती है एक एक चीज आपको मैं करवाऊंगा इसमें छोटी से छोटी से लेकर एडवांस जो आपने टर्मिनोलॉजी आप तक सुनी नहीं होगी वो भी आपको करवाऊंगा सो यहां पर बैंकिंग में बी से लेकर जी तक चलेंगे ए टू जी सारी कुछ चीजें आपको करवाई जाएंगी चार अगस्त से इसकी टाइमिंग सुबह आठ रहेगी ये कोर्स आपका डेली बजे सुबह आठ बज के पांच मिनट पे होगा इसकी क्लास स्टार्ट एक से सवा घंटे की क्लास होगी डेली बेसिस पर होगी और ये जो मेरा डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह साढ़े सात बजे होती है ये फोर्थ अगस्त से मैं शेड्यूल बता रहा हूं थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं आपका ये क्लास रोज सुबह सात बजे हुआ करेगी चार अगस्त से चार अगस्त से ये जो साढ़े सात वाली क्लास है ये सात बजे होगी जो हमारे एमसी क्लास है सवाठ होती है वो आपकी सात बज के पैंतीस मिनट पे हुआ करेगी और उसके बाद तुरंत बाद आपकी प्लस क्लास हो जाएगी सो अब फोर्थ अगस्त से आपको मेरे साथ जुड़े रहना सुबह सात बजे से लेकर सवा बजे तक, ओके, सो ये मेरा टाइमिंग मेरा टाइमिंग रहेगा, जिसमें सकते हैं एन आई टी आई चलिए स्टार्ट करते हैं थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी की टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर आपको पी डी एफ मिलती है इसकी आ, ओके okay, सो so पहली न्यूज आपकी आई है रफाल से ओके okay. सो so यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले रफाल फाइटर जेट्स की जिनको हमारे इंडियन हवाई बेड़े में शामिल कर लिया गया है ओके okay. सो so ये अभी हाल ही में लैंड हुए अंबाला के एयरबेस हरियाणा के अम्बाला हरियाणा के अंबाला एयरबेस में ये लैंड हुए एंड इन्होंने ज्वाइन किया हमारे इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स की टीम को अगर अंबाला एयरबेस पे नहीं वो लैंड कर पाते किसी भी कारणवश तो एक अल्टरनेट एयरबेस उन्होंने बनाया था दैट वाज इन दी जोधपुर एयरबेस वहां पर ये एक इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंड करते ये पूरी की पूरी न्यूज में अब आपको एक आ, एक एग्जाम पॉइंट उससे बताऊंगा देखो यहां पर पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन हमें याद करने की जरूरत नहीं है रफाल क्या है क्या नहीं है बट जो जो चीजें याद करने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूं वही उतना ही आप अपने एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा ठीक है इससे पहले अब ये जो पांच रफाल फाइटर जेट्स हैं ये इन्होंने आपकी उड़ान भरी थी कहां से उड़ान भरी थी ये भरी थी मैरिग फ्रांस okay. यहां से इन्होंने आपकी उड़ान भरी थी और जब यह इंडियन रीजन में आए थे कोलकाता तो वहां, वहां पर आया था आई एन एस कोलकाता ने इनका वहां पर स्वागत किया एज अ पार्ट ऑफ वेलकमिंग प्रोसीजर ओके एंड इसके अलावा जब रेफल फाइटर आपके इंडिया में एंटर हुए जैसे इंडिया के एयर स्पेस में एंटर हुए तो इनको वहां पर मिले कौन सुखोई 30 ये वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई और ये वहाँ पर दो सुखोई 30 इनको लेकर आए इंडिया में अंबाला बेस पे सो ये आपका रफाल जो है ये आपका पहला इंपोर्टेड फाइटर प्लेन है जो कि आपका सुखोई 30 के बाद आपका पहली बार इंडिया इंडिया में कहीं से खरीदा गया है सो so, रफाल सुखोई के बाद आपका पहला इंपोर्टेड फाइटर प्लेन है जिसको 1990 के दशक में आपका रशिया से परचेज किया गया था यहां पर यहां पर एक और चीज है अंबाला एयरबेस में ये पांच आपके जो हैं रफाल फाइटर जेट्स वहां पर ये बने रहेंगे और ये जो है इसके अलावा इसके अलावा वहां पर जगवार फाइटर्स एंड वन स्क्वाड्रन ऑफ द मिग 21 वन बाइसन एंड ये आपके वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके के ऑलरेडी okay. इनका वहां पर बेस है रफाल के अलावा जगुआर का और मिग इसके अलावा यहां पर जो सेकंड रफाल स्क्वाड्रन होगा वो कहां पर होगा वो हस्सी मारा इन वेस्ट बंगाल में आपका होगा ओके okay. सो so यहां पर जो जो चीजें मैंने राउंड की है ये आपके एग्जाम पॉइंट से पूछी जा सकती है एक बार फिर से कर लेते हैं

एंड रफाल से पहले कौन से ऐसे आपके इंडिया के हवाई बेड़े में शामिल किए गए थे जिनको इंपोर्ट किया गया था हवाई सुखोई। okay, सुखोई तो राइट right. और इसके अलावा अंबाला में अंबाला एयरबेस में कौन कौन से और स्क्वाड्रन यहां पर बेस है जिनका वो है मिग 21 बाईसन। इसके अलावा सेकेंड जो रफाल स्क्वाड्रन आपका बेस रहेगा वो मारा वेस्ट मंगोल ये बेस आपका रहेगा चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसी को continue करते हैं। अभी ये खबर खत्म नहीं हुई है। इसमें हम और देखते हैं क्या क्या हुआ था एयरक्राफ्ट को आपका रिफ्यूल किया गया था दो फ्रेंच फोर्स टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ मिड एयर में जिसमें से एक में आपका वेंटिलेटर्स थे दूसरे में आपके टेस्ट किट थी टीम ऑफ टेन एक्सपर्ट्स जो कि इंडिया को आपका सपोर्ट करने के लिए कोविड 19 में आपका यहां पर शामिल किया गया था ओके okay, सो so ये रिफ्यूलिंग के लिए दो एयरक्राफ्ट साथ में थे उनमें थे, उनमें मौजूद थे बट कुछ ना कुछ आपका ये एक वेंटिलेटर कैरी कर रहा था और दूसरा आपका हेल्थ एक्सपर्ट की टीम को भी कैरी कर रहा था ये जो फाइटर जेट्स हैं इन्होंने टोटल सात किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया था जिसमें से उन्होंने

रोल एयरक्राफ्ट बाय डिजोल्ट ये भी नाम दिया गया रेफर किया जाता है अब नेक्स्ट जो इसमें बनता है वो बनता है जो पांच आपके फाइटर एयरक्राफ्ट आए हैं वो आपके कौन कौन उड़ाकर लेकर आए हैं द फाइव जेट्स वर फ्लोन बाय द पायलट ऑफ द सेवनटीन गोल्डन एरोज जिसको लीड किया था किसने लीड किया था कैप्टन हरकीरत सिंह अलोंग विद द मनीष सिंह विंग कमांडर एंड द विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी विंग कमांडर सिद्धू जी एंड कमांडर अरुण सर एंड ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया ओके सो ये यहां पर इनके द्वारा इसको फ्लाई किया गया था सतना गोल्डन एरोज के पायलट जिसमें हेड किया था हरकीरत सिंह जी ने मनीष सिंह विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी विंग कमांडर सिद्धू विंग कमांडर अरुण एंड ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया ये आपको पांचों नाम याद रखने पड़ेंगे इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं सो ओके सो इस पर्टिकुलरली पूरी की पूरी न्यूज में अब इस स्लाइड में से क्वेश्चन आपके बनते हैं 7000 किलोमीटर का रास्ता तय किया यूएई में होल्ड किया था डेसोल्ट राइफल पूछा जा सकता है 17 गोल्डन एरोस का नाम और इन पांचों पायलट का नाम आपसे पूछा जा सकता है एक दो तीन चार और ये पांच हुए ठीक है और साथ में ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया थे राइट ओके okay, चलिए ये है आपका रफाल डील के बारे में लिखा हुआ है पुरानी डील 2016 में साइन की गई थी जिसमें 36 रफाल फाइटर जेट्स को आपका खरीदने की बात की गई थी अमाउंट आपके सामने लिखी हुई है ये रफाल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू मी बैंकिंग एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है बट इन केस अगर आप डिफेंस से जुड़ा हो कोई एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएस से जुड़ा हो कोई एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली दे कैन आस्क यू दीज थिंग्स बट बैंकिंग एग्जाम में ये चीजें आपसे नहीं पूछेंगे तो आप इसको कट कर सकते हैं आप इनको बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ओके okay, चलिए आगे चलते हैं हम सो uh, so, यहां पर हमारा रेफेल से जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे बतानी थी आपकी जो एग्जाम पॉइंट से आपकी रिलेवेंट थी वो मैंने सारी आपको बता दी अब रही हमारी बात एजुकेशन पॉलिसी की मैं एजुकेशन पॉलिसी को आज की क्लास में कवर नहीं कर रहा क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी एक तो पहले तो जब वेन आई वॉज रीडिंग इट वॉज टू वाइड बहुत बड़ी थी देन आई थॉट ऑफ सोटिंग द पॉइंट मतलब वही पॉइंट मैं आपके उसमें टच करूं जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है ऐसे इनरेलीवेंट चीजें मैं सारी पढ़ा कर चला जो इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके लिए कवर करूंगा और आपको बिल्कुल डेफिनेटली वो चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे आपको रेफल मैंने कवर किया है ठीक है सो so, uh, कल की क्लास में हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ए टू जी बट एग्जाम रेलेवेंट हम चीजें पढ़ेंगे ठीक है आज नहीं करवा रहा और मोर ओवर आज दो चीजें इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेन करना फिर बाकी न्यूज हमारी रह जाती राइट सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ कोविड कोविडीन पेशेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोलेबोरेशन किया है किसके साथ एम्स के साथ कोलेबरेशन किया है किसके साथ एम्स के साथ कोलेबोरेशन किया है आईसीएमआर ने अब यहां पर क्या किया जाएगा एक डाटाबेस क्रिएट करने की बात की जा रही है कोविड नाइनटीन पेशेंट्स का डाटाबेस क्रिएट किया जा रहा है कोविड नाइनटीन पेशेंट का जो कि आपका पूरे की पूरी कंट्री में आपके एडमिट किए गए हैं किसी भी हॉस्पिटल में यहां पर जो डाटा बेस है, इसका नाम रखा गया द नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री ये नाम इसका रखा गया है एंड विल आल्सो एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्टडी इट्स रिस्पांस अगेंस्ट दी डेडली वायरस राइट एट प्रेजेंट अ टोटल ऑफ 15 इंस्टीट्यूशंस विल क्रिएट अ नेटवर्क टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट सो एग्जाम पॉइंट नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री या फिर नाम पूछेंगे कोविड 19 के लिए डाटा बेस क्रिएट किया जा रहा है वो कौन सी आपकी ऐसी एजेंसी है है जिसने ये क्रिएट करने जा रहा दैट नोन एज नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री किसके साथ किसका किसका कोलैबोरेशन कोलाबोरेशन आईसीएमआर एम्स का कोलैबोरेशन है? है यहां पर कितने इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल है यहां पर इंस्टीट्यूशन शामिल है आपके पंद्रह पंद्रह टोटल इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल है राइट चलिए इसके स्टैटिक फैक्ट सारे के सारे जितने फैक्ट अगर आपको यहां नजर नहीं आ रहे तो डोंट वरी कवर कर लेता हूं तो वहां पर आपको आपको लास्ट में आपको मिल जाता है कंसोलिडेटेड फॉर्म में राइट right. चलिए एक और बड़ी न्यूज आई है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज रहेगी आपको याद करने के लिए डाटा काफी है इस न्यूज में से चलिए देखते हैं सिंपल बनाते हैं इस न्यूज को कैसे सिंपल बनाते हैं पढ़ते हैं इसको नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक प्रोग्राम जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था कुछ ऐसी को चुना, गया था। कितनी को चुना गया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको पता है आपका गई थी डे एरिया

सॉरी फॉर दिस सो नीति नीति आयोग ने आपका किया है डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का राइट सो so, यहां पर आपका आ, आ, क्या है देखते हैं क्या है इसमें ओवरऑल इसमें काफी सारी रैंकिंग दी गई है एक दी गई है ओवरऑल डेल्टा ओके ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग दी गई है

प्रदेश ने टॉप किया है सो so, यहां पर टॉपर्स के नाम मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिए हैं आपके सो so, जस्ट फिलहाल आपको इन टॉपर्स के नाम याद रखने हैं अलोंग विद द स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ओवरऑल कौन है बीजापुर है मैं फिर से बता रहा हूं ओवरऑल बीजापुर है इसमें सब कैटेगरी की बात करूं तो वहां पर आपका सबसे पहले हेल्थ में रीब हुई एजुकेशन में दमहो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खगारिया एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स कैटेगरी में नवादा एंड नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट में सोनभद्रा उत्तर प्रदेश है ओके okay, सो so ये आपको अलग अलग याद करने हैं ओके सो यहां पर ये अलग अलग नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर फेब्री जून ट्वेंटी ये रहा आपका रैंकिंग का डाटा उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएंगे डरिएगा नहीं याद करने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ चीजें याद हो जाती हैं सब कुछ पॉसिबल है अगर अभी तक आपने ग्रेजुएशन कर लिया चाहे धक्के मार मार के किया कर तो लिया ना अगर एक रात में आप इंजीनियरिंग लोग पढ़ सकते हो तो ये पांच छह नाम आपके लिए क्या चीज है किस खेत की मूली है आराम से हो जाएंगे कॉन्फिडेंस रखिए विश्वास रखिएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं हाँ ये खैर दे रखा है थोड़ा डिटेल में ओवरऑल टॉप रैंक ओवरऑल हैं ये वाले ठीक है ओवरऑल वाले हैं ये डॉक्टर ही बन जाता राइटिंग तो है ही ऐसी खैर मेरी है ना

प्रोवाइड कराया गया है। ओके, okay, so पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 90 ट्रेनिंग दी जाएगी। जाएगी। पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग एग्जाम से जस्ट इतना ही याद रख लीजिएगा। पावर फाइनेंस रिसर्च एंड एंटरप्रनियरशिप डेवलपमेंट के लिए आपका टाइप किया गया है दो करोड़ वहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च इन दी मिजोरम टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन दी ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंडेड बाय द ग्लोबल फैसिलिटी कहां किया गया लॉन्च मिजोरम में किया गया है मिजोरम में किया गया है आपका लॉन्च क्या किया गया है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी आपका लॉन्च किया गया मिजोरम आपका उन पांच स्टेट में शामिल है पहला स्टेट बना है जिसको आपका ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया पिछले पांच स्टेट और कौन कौन से है हमारा मध्य प्रदेश हमारा उड़ीसा राजस्थान एंड उत्तराखंड ओके okay. हमारा मध्य प्रदेश हमारी आप, हम उत्तराखंड so, right. so, का. Okay. So, का आपका जो ऑब्जेक्टिव है नीचे आपके सामने लिखा हुआ है जस्ट एक रीड कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये आखिरकार है क्या चीन बट इतना एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे डीप में राइट right, सो so यहां पर इंप्लीमेंटेशन जो किया गया है प्रोजेक्ट इन मिजोरम द प्रोजेक्ट कवर्स लैंड इन द टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लोंग लोंग लाई ओके एंड द ममथ मिजोरम जिसमें शामिल है डंपा टाइगर रिजर्व डंपा या डंपा एंड द थोरंग थोरंग लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके सो ये आपका इंपॉर्टेंट okay, so पांच स्टेट्स, स्टेट्स क्वेश्चन के नाम आपको पता होने चाहिए पूछे जा सकते हैं एंड नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग जो इसमें पूछी जाएगी कि कहां पर यह किया गया है लुंगल मिजोरम में किया गया है एंड दी स्टैटिक अवेयरनेस की बात करें तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे डांपा टाइगर रिजर्व और दी थोर नहीं क्वेश्चन करंट अफेयर का बनेगा सो फ्रॉम दी करंट अफेयर डंपा टाइगर रिजर्व एंड दी सेंचुरी जो कि रिलेटेड है ग्रीन एग्रीकल्चर फंड से ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट से राइट चल नेक्स्ट चलते हैं हम बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ओके बॉम्बे फ्लाइंग क्लब आपका बना है जो कि मुंबई में है वो आपका बना है इंडिया का पहला डीजीसीए के द्वारा अप्रूव किया गया ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ओके ट्रेनिंग स्कूल है आपका ये ड्रोन आपका उड़ाना सिखाएंगे यहां पर अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीआई के द्वारा अप्रूव किया गया है पहला आपका ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल नाम क्या है इसका बॉम्बे फ्लाइंग स्कूल ओके चलो उड़ चले सो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब सॉरी बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई दैट इज ए ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ओके यहां पर भी आपका स्टूडेंट ऑफ द ईयर निकाला जाएगा जो बढ़िया प्लेन कोड आएगा उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का किताब दिया जाएगा जस्ट मजाक कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा सो so, डीजीसी ने अप्रूव किया द क्लब एप्लीकेशन फॉर कंडक्टिंग रिमोट पायलट ट्रेनिंग फॉर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को ओल्डेस्ट फ्लाइंग क्लब है इंडिया का इट इज लोकेटेड एट द जूहू एरोड्रेम बॉम्बे में आपका सिचुएटेड है, है, से बॉम्बे फ्लाइंग क्लब नाम याद रखना है नेक्स्ट चलते एम वेंकैया नायडू प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के इन्होंने वर्चुअली आपका पदी भवा जलालु, जलालू ओके सो पदी भवा जलालु इन्होंने तेलुगु वर्जन ऑफ अ बुक जिसको लिखा था हमारे यूनियन मिनिस्टर लेट एस जयपाल रेड्डी ने ओके okay, कांग्रेस से बिलोंग करते थे ये कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते थे एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रह चुके हैं ये आपके हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था ट्वेंटी जुलाई टू लास्ट ईयर निमोनिया की वजह से और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी दैट वॉज दी टेन आइडियोलॉजीज बुक ऑथर्ड बाय दी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर इनके द्वारा इसका अब तेलुगु वर्जन आपका रिलीज किया गया पदी भवा ये वर्जन है एग्जाम पॉइंट नाम पूछ सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है ये आपसे पूछी जा सकती है सो दिस इज फुल नेम ऑफ द बुक द फुल नेम ऑफ द बुक इज रिटर्न हेयर टेन आइडियोलॉजी द ग्रेट्री बिटवीन द इंडस्ट्रियलिज्म नेक्स्ट चलते हैं इंडियन ऑरिजन ऑथर अवनी दोषी बॉन्ड शुगर ट्वेंटी शुगर आपका यहां पर एक नोवेल ऑथर किया गया है किसके द्वारा uh, आपका अवनी दोषी के द्वारा यहां पर ऑथर्ड किया गया है एंड इट वॉज वन अमंग दर्टीन ऑथर लॉन्ग लिस्टेड फॉर दीजियस ट्वेंटी ट्वेंटी बुकर प्राइस सो इनको आपका नॉमिनेट किया गया अभी ये जीती नहीं है बट नॉमिनेट किया गया है इंडिया के आपके ये अवनी दोषी की बुक बर्ड शुगर को यहां पर जो कि यूनाइटेड किंगडम इट हैज हैजिन पब्लिश यूनाइटेड किंगडम इट वाज अमंग लॉन्ग लिस्टेड फॉर दिस प्राइस बुक ने रेड अबाउट अ वूमेन जिनका नाम तारा था और उनके बारे में इस बुक में आपका बताया हुआ है सब चीजें उसके बारे में लिखी हुई है जस्ट नॉलेज के लिए है एंड बुकर प्राइज की बात करें तो बुकर प्राइज आपका यहां पर पिछली बार जो दिया गया था वो किनको दिया गया था इनको दिया गया था फॉर द फिक्शन वॉज बोर्न ज्वाइंटली बाई दाय दार्ग्रेट एटवुड एंड दर्ल वुमेन अदर यह दूसरा आपका फिक्शन था जिसको लिखा था आपका बर्नैर डाइन एवरी द्वारा ओके सो यह बुकर प्राइस पिछली बार आई थिंक ये ऐसा ही हुआ था बुकर प्राइज पहली बार दो पर्सन को जॉइंटली दिया गया था यह पहली बार इसके हिस्ट्री में हुआ था जो कि जॉइंटली दिया गया था इन दोनों को दिया गया था मार्गरेट एटवुड एंड दी बर्नेडाइन एवरेस्टो को दिया गया था सो बर्न शुगर अवली दोषी ये याद रख लीजिएगा इस बार फिर से कहूंगा नॉमिनेट किया गया है जीता नहीं है इंडियन ऑरिजन ऑथर है आपकी ये रेट राइट चलिए

इबिलिटी क्या है अब ये सब चीजें तो बैंकिंग वर्स के कोर्स में ही डिस्कस करूंगा ओके सो so, यहां पर आपका चीफ मिनिस्टर एंटरप्रनशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया यह लॉन्च किया केरला गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट ने आपका लॉन्च किया यहां पर चीफ मिनिस्टर एंटरप्रनशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया टू एड्रेस द दॉर्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट बाय द दर्ट्स एंड स्मॉल एंटरप्रेनशिप एम कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन से बचने के लिए जूझने के लिए उनके पास जो शॉर्टेज हुई है फंड उसको पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर एंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम केरला गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है इसके तहत आपका पहली चीज इसके

अपनी तरफ से सब्सिडी के फॉर्म में पैसा देगी राइट सो यानी कि या उनको पैसा जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो केवल 7% ही बनेगा राइट ओके सो केरला अनाउंस किया चीफ मिनिस्टर एंटरप्रनरशिप डेवलपमेंट ये पूछा जा सकता है किसने अनाउंस किया केरला ने अमाउंट याद रख लेगा सारी की सारी चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आ, केरला चीफ मिनिस्टर ने इसके अलावा एक 1500 करोड़ का केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट किया था यहां पर 1500 करोड़ का किसके साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रेल टेल कॉरपोरेशन के साथ एंड दी एस आर आई टी एंड केबल के साथ मिलकर यह किया जिसके तहत पूरे के पूरे आपके केरला में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर पुअर बाय दिसंबर ट्वेंटी और यह बनेगा आपका पहला स्टेट टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन सो इंटरनेट ऑफ फ्री ऑफ यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा इसके लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क आपका एस्टेब्लिश किया गया जिसको बेल रेल टेल कॉरपोरेशन स्रिट एंड एल एस केबल कंपनी के साथ मिलकर यहां पर केरला गवर्नमेंट बना रही है लगा रही है दिसंबर ट्वेंटी तक ये कंप्लीट हो जाएगा राइट नेक्स्ट चलते हैं हम Science, ने आपका किया. कुछ आपके के द्वारा आपके अलग अलग फील्ड में आपका जो अर्थ साइंस से जुड़े हुए फील्ड में आपका किया गया है। उसके लिए इनको आपका अवार्ड दिया गया ये अवार्ड इस कैटेगरी में दिया गया है चलिए किसने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दिया है किसको दिया है इनको दिया गया है okay, ओके इनको दिया गया है ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं इन सभी के याद कर लेगा तसल्ली से आराम से किसके लिए दिया गया है ये भी याद रख लेगा देख नींद आने लगी होगी ठीक है बट याद करने हैं क्या करें हमारी मजबूरी है ठीक है एग्जाम में आते हैं तो पूछे जा सकते हैं क्या कर सकते हैं आएंगे तो आएंगे पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, जाएंगे छोड़ सकते नहीं और याद होता नहीं तो कहां, जाएं? कहां जाए कहा जाए कहीं मत जाओ बाहर तो जा ही नहीं सकते कोविड है है ना कर्फ्यू लगा हुआ है कहीं जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है ना डंडे पड़ेंगे तो अंदर बैठ के पढ़ ही लो इससे बढ़िया तो ओके okay. बेचारे बाबू शोना वाले तो मिल नहीं पा रहे आजकल पहले फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा घर पे फोन पे बात नहीं कर पाते

साथ मिलकर एमएस इंडिया के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकमिनेशन बॉक्स आपका सुरक्षा डिजाइन किया गया है ये बॉक्स आपका बेसिकली यूवी लाइट्स के थ्रू आपका किसी भी चीज को 10 से 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है एंड इसको दो स्टूडेंट आईआईटी घाटी के दो स्टूडेंट शुभम यनवार एंड अनंत मित्तल ने इसको बनाया है ओके सो इन्होंने आपका बनाया है दिस डिवाइस नेम दैट दी युवा अस्त्र ओके सुरक्षा युवा अस्त्र ये आपका बनाया गया है द डिवाइस किल्स दी बैक्टीरिया स्टेलाइज एनी ऑब्जेक्ट इन दी फ्यू सेकेंड ओके सो यहाँ पर आपका किया जा सकता है दिस इज द रिलेटेड टू दिस सुरक्षा माइक्रो ऑर्गेजम डी कंटेमिनेशन बॉक्स सी एस आई और सी एस आई ओ ने अलोंग विद इंडिया के साथ मिलकर नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्री ईयर थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड टेंपल जिसका नाम है आपका श्री श्री जोए काली मतर टेंपल ओके सो श्री श्री जोए काली मतर टेंपल जो कि है नातोर बांग्लादेश में इसको आपका रिकंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिया की मदद से इंडिया की मदद से इसको आपका रिकंस्ट्रक्ट किया गया है जिसके अंडर आपका सत्तानवे लाख टका ओके दिस इज दी टका सत्तानवे लाख टका आपका दिया गया है पैसा और अगर मैं ओवरऑल बांग्लादेश के साथ उनके फाइनेंस देने की बात करूं तो यहां पर करोड़ आपका दिया जाना है दिया जाना है बांग्लादेश को हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उसके अंडर आपका ये एक नातोर बांग्लादेश में जो मंदिर है आपका काली माता का मंदिर है आपका वो आपका इसमें डवलप किया गया 97 लाख ,00 टका के साथ अगर मैं इसकी बात करूं काली माता टेंपल की तो यहां पर इसको बिल्ड किया गया था श्री धीयाराम रॉय के द्वारा जो कि दीवान थे रानी भवानी ऑफ नतोर एंड फाउंडर थे आपका दीपपटिया रॉयल फैमिली ऑफ द 18वीं शताब्दी के चलिए नेक्स्ट चलते हैं हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है ओके, okay, सो so ये आपका प्रोजेक्ट है जिसके तहत आपका टेंपल कृष्णन टेंपल टू स्टोरी एडिस बासी सगशोहिल स्कूल एंड दिन निमातपुर गर्ल्स हॉस्टल ये भी इसमें शामिल है एज वेल एज दी एज द राजशाही सिटी कॉरपोरेशन रिस्टोरेशन ऑफ द श्री श्री नंदमय काली माता मंदिर ओके ये भी आपका इसका कंस्ट्रक्शन आपका शामिल है राइट बांग्लादेश के सर्टिफाइड नीचे लिखे हुए हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज की तरफ चलते हैं वो आई है एडीबी ने अप्रूव किया है तीन मिलियन यूएस डॉलर ग्रांट टू इंडिया टू सपोर्ट कोविड ओके सो यहां पर एडीबी ने मिलियन यूएस डॉलर जो कि 22 करोड़ के नियर नियमोट बनता है यहां पर एडीबी एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड इंडिया को आपका देने का फैसला किया है इंडिया को पैसा दिया जाएगा तीन मिलियन यूएस डॉलर अब आप कहोगे सर पहले भी बहुत सारे पैसा दिया गया है जी हां दिया गया है बट ये पैसा आपका जैपनीज गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा इससे पहले जो पैसा दिया गया वो यहां पर लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी इनको किया भी हो अपने पिछली करंट अफेयर में आपका अप्रैल में देख लीजिए थर्टीन अप्रैल देख रखा है दूसरे में आपका अट्ठाइस अप्रैल

क्या आया है यहां पर आपका आया है विराट कोहली रैंकिंग आई है बेसिकली रैंकिंग आई है विराट कोहली आपके दूसरे स्थान पर रहे हैं सेकंड रैंक में विराट कोहली रहे हैं अगर मैं आईसीसी टेस्ट बैंकिंग रैंकिंग की बात करूं टेस्ट बैटिंग रैंकिंग की बात करूं पुजारा एंड दे जिनके रेहाने आपके आठवें और दसवें स्थान पर रहे हैं रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्र अश्विन आपके तीसरे और पांचवें स्थान पर रहे हैं टॉप टेन इंडिया की रैंकिंग टॉप टेन इंडिया की रैंकिंग है आपकी ये ठीक है समझ गए इन टॉप टेन इंडिया की रैंकिंग और टेस्ट रैंकिंग की बात करें हम ये ऑलराउंडर की ये बैट्समैन की रैंकिंग है पहले ये ऑलराउंडर की रैंकिंग है आपकी और ये बोलर की रैंकिंग है आपकी ठीक है सो so ये आपकी इंडिया के टॉप टेन में जो पर्सन आए हैं ओवरऑल में बात करूं ओवरऑल अगर ग्लोबल लेवल पर बात करूं तो टॉप थ्री ऑलराउंडर बेन आपके स्टीव स्मिथ आपके बैट्समैन में एंड पैट क्यूमन्स आपके बॉलर में है ठीक है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ये आपके साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ये आपके भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ओके सो ये तीन आपके टॉपर्स इन तीनों के नाम और यहां पर इंडिया के विराट कोहली सेकंड पे रविचंद्र अश्विन सॉरी रविंद्र जडेजा आपके थर्ड पोजिशन पे ओवरऑल ऑलराउंडर में जसप्रीत बुमराह आपके रहे हैं आठवें स्थान पर राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम की बॉलीवुड एक्टर कुमकुम ओके -कुम. okay, उम्मीद कर तो आपने देखा होगा मैंने पिक्चर लगानी रह गई नहीं तो आपको पता लग जाता याद आ जाती देख लीजिएगा गूगल कर लीजिएगा कुमकुम आपकी एक्ट्रेस इनका हाल ही में निधन हो गया ओके okay, सो so इनका हाल ही में निधन हो गया बिहार से इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हो गया बॉलीवुड एक्टर कुमकुम नेक्स्ट -कुम. चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज Uh, 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ओके सो जो लोगों का आपका स्मगल किया जाता है एक जगह से दूसरी का लीगल भेजा जाता है सो so उसी को देखते हुए वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 30 को जुलाई 30 को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि एक क्राइम है एंड इसको उनके पर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपकी थीम इस बार की रही क्या रही कमिटेड टू कोज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड द ह्यूमन ट्रैफिक ये इसकी इस बार की आपकी थीम रही थी द वर्ल्ड डे द डे वॉज अनाउंस दर्ल्ड इन ईयर 18 दिसंबर 2013 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल थीम याद रख लीजिएगा डे याद रख लीजिएगा 30 जुलाई को चलिए स्टेटिक अवेयरनेस ऑफ करता हूं आज का सेशन आपको काफी हेक्टिक लगा होगा बट पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ना वो बहाने मारते रहेंगे कि इतना जादा, इतना जादा, इतना ज्यादा 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 होता ही है ठीक है इसमें क्या खास बात है अभी तो और भी न्यूज है मेरे पास करवाने वाली मैंने कहा इतने टाइम में इतना ही हो पाएगा नहीं तो और भी मैंने करवानी थी ठीक है कल की क्लास में इंक्लूड करेंगे ओके स्टैटिक अवेयरनेस ऑफ द डे आपके सामने है जो जो चीजें आज आई हैं आपके सामने उनके स्टैटिक अवेयरनेस यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके लिए ओके तो चलिए इनको आप पढ़ लीजिएगा आराम से जब आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी ओके okay, सारे के सारे जो वहां पर इंक्लूड नहीं थे वो सारे के सारे यहां पर लिखे होंगे, ठीक है एडीबी एडीबी इंग्लैंड इंग्लैंड सब कुछ लिखा हुआ आईसीसी के बारे में ठीक है चलिए ये क्वेश्चन है आज के दो क्वेश्चन में हमेशा देता हूं एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सॉल्व कीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए सवा आठ बजे आ जाइएगा एमसी क्लास में डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक नहीं मिलेगा आपको जस्ट आप uh, मेरी प्रोफाइल आइए ऐप पे मुझे सर्च कीजिए आपको क्लास मिल जाएगी मैं शायद लिंक डालना आज भूल गया ओके क्वेश्चन ओके सो दीज वर दी टू क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपका दोनों क्वेश्चन आते होंगे ऑलरेडी हम इनको करंट अफेयर्स में अपने पिछले डेज की कर चुके हैं एंड मुलाकात करते हैं आइएगा एमसी क्लास में बहुत ही शानदार एमसी क्लूज होते हैं लाइक जरूर कर दिएगा सेशन को और कल फर्स्ट अगस्त है कुछ नया देखने को मिलेगा आपको कल भी ठीक है जैसा मैं हमेशा करता हूं नए महीने की शुरुआत कुछ नए तरीके से करेंगे कल हम आएंगे जरूर वापस से एक बार नए जोश के साथ नए महीने में आइएगा जरूर फर्स्ट अगस्त बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए मिलेंगे ठीक है चलिए टेक केयर बाय सी सीन एट फिफ्टीन क्लास मुलाकात करते हैं बाय बाय